बाना हो रहा था, पर मैंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुझे आपसे कंधा से कंधा मिलाना चाहिए। तो इसलिए आज मैं कुछ समय के लिए, मुझे भोपाल निकल जाना है, भोपाल में मेरे कार्यक्रम है। मैंने अभी आपकी बात सुनी, ये समझाने की बात नहीं है कि पटवारी का क्या रोल होता है, कितने विभाग से वो जुड़ा हुआ है, ये तो सब जानते हैं, सब साधारण लोग जानते हैं, इसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर ये बोर्ड देखकर मुझे जरा ताज्जुब हुआ कि 25 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, अब तो आपको 3 महीने इंतजार करनी है। आपकी 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे, क्योंकि ये आदेश देने की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। और पुरानी पेंशन स्कीम जरूर हम लागू करेंगे, मैंने कई दफा बोल दिया, सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, सभी वर्गों के साथ न्याय होगा। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। मैं नहीं कह रहा कि आप कमलनाथ का साथ देना, मैं नहीं कह रहा आप कांग्रेस का साथ देना, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, सच्चाई का साथ देना। वो तस्वीर रख लेगी अपने सामने, क्या हो रहा है, कहां हमारा प्रदेश घसीटा जा रहा है। आज शिवराज सिंह जी, उनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। कुछ बोल दो, देखा जाएगा कितनी घोषणाएं करी, कितने घोटाले, बड़े बड़े घोटाले। मैं तो कहता हूं कि 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, इससे फायदा किसको हुआ, पटवारियों को हुआ क्या, आउटसोर्स वालों को हुआ क्या, हमारे आशा उषा वालों को हुआ। ये 3,30,000 करोड़ रुपए का हुआ क्या, आप सब समझदार, 3,30,000 करोड़ रुपए लेके इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए हर विभाग में, बड़े बड़े ठेके, ताकि कमीशन बन जाए, अभी जो समेट सके समेट ले, एडवांस दे दो, 500 करोड़ का टेंडर, 1,000 करोड़ का, 10,000 का, 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर, टेंडर जल्दी से फाइनल करो, एडवांस दे दो और अपनी कमीशन निकाल लो। ये इन्होंने अपने प्रदेश के साथ किया है। मैं तो मानता कि आपने कर्जा लिया हमारे पटवारियों को, आप खुश कर देते, कितना पैसा लग रहा, आप कर्मचारी आउटसोर्स जहां भी आप उनका फायदा कर देते, पर आपने ये कर्जा लिया ठेका देने के लिए, ताकि आप सब पैसे समेट सको, ये इनका लक्ष्य था। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं भोपाल के लिए रवाना हो रहा हूं, मैं नहीं भूलूंगा ये, तो मैंने बोल दी भाई ये कि 25 वर्ष पुरानी आपकी जो 2800 की ग्रेड की बात है, वो जैसी हमारी सरकार बनती है हम लागू करेंगे, ये आप रखे रहिएगा, ये आपने जो बोर्ड बनाया है ये रखे रहिएगा, दूसरों को भी समझाइएगा किस तरह का आप, किस तरह इसमें फंसे रहे, और आज आपको न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज न्याय के लिए, जिसको न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, बड़ी शर्म की बात होती है। आप कोई ऐसी मांगे नहीं रख रहे, आप तो न्याय की बात कर रहे हैं, पर आज हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ, तो है ये तो साफ दिख रहा है।